One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मोदी की सरकार चाहे हमारे यादव या तो बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बहन भाइयों दूसरी सरकारों के मंत्रियों के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे होंगे लेकिन भारत के नहीं दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार अथवा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाम लगी हुई हो या कोई नहीं कह सकता। इस सरकार के बनने के बाद सारी दुनिया को यह संदेश चला गया है कि भारत ये कमजोर भारत नहीं है बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन चुका है। आपने देखा पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वैसे हम लोगों की पूरी कोशिश यह रही है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं हम लोग उन लोगों के साथ अपने रिश्ते बेहतर रखें। और हम कहते अटल बिहारी वाजपेयी जी तो कहा करते हैं पड़ोसी के साथ बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है, इसलिए पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए या बराबर अटल जी क्या करते हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने भी लेकिन भारत के अंदर हकूकत है, भारत कुछ नहीं कर सकता है, भारत किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन भारत को जो छेड़ता है उसे भारत छोड़ता भी नहीं है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, पाकिस्तान में सार्क का सम्मेलन होने वाला था अगस्त का महीना का, मुझे भी इसमें जाना था। अरे भाई बहुत हो गया बहुत हो गया। और अपने राज्य मंत्री को वहां भी मैं अपने राज्य मंत्री को भेज देता, लेकिन सम्मेलन के दो दिन पहले हमारे अधिकारियों ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के खिलाफ और आपके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत के गृह मंत्री को हम पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। दादा भाई उसी दिन मैंने फैसला किया कि हम अपने गृह राज्य मंत्री को नहीं भेजेंगे बल्कि मैं स्वयं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में गया। और मैंने बोलो पाकिस्तान जब मैं उतरा तो मुझे पहले शरद नाथ से जाना था लेकिन वो लोग लगातार हेलीकॉप्टर से चले, तो होटल से आधे किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर से मैं उतरा, आगे की योजना में चार स्थानों पर हम लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और ये कहा जा रहा था गृहमंत्री वापस जाओ, गृहमंत्री वापस जाओ, और जितने नारे लग रहे थे उतना ही हमारा हौसला बुलंद होता जा रहा। और फिर मैंने ये ठान ली यदि मैं आ रहा हूं पाकिस्तान तो हमें इस पाकिस्तान की धरती की छाती पर खड़े होकर पाकिस्तान को बेनकाब करके यहां पे मैं जाऊंगा और दूसरे दिन की आतंकवादी आतंकवादी होता, आतंकवादी की कोई शाख नहीं होती, कोई मलहम नहीं होता, कोई धर्म नहीं, आतंकवाद पूरा होता है ना आतंकवाद कोई अच्छा होता। इन घटनाओं की चर्चा इसलिए मैंने किया चाहे जो को किया जितने भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन धर्म भाइयों हम लोग देश के नाम सम्मान स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में आज नहीं आ रहे देंगे, यह हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। मैं भी हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस हड़ताल को आपके सामने जिक्र किया।
व्यापक विकास का सवाल है। वैसे समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता तो ये कहते हैं हमने बहुत विकास किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह विकास किया है कि नहीं किया? मैंने मालूम है आपसे नहीं किया, लेकिन हम दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह बताना चाहता हूँ, आदमी झूठ बोल सकता है, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोल सकते। जिस समय यह सरकार बनी थी उस समय इस राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत जो था वो 5.6 पांच वर्षों तक इस सरकार के काम करने के बाद वह 2% घट गया 3.6%। कृषि के विकास पर जब यह सरकार बनी थी तो बाकी उस समय 2.8% थी, 5 वर्षों में इन्होंने घटाकर 1.8% तक लग गया। और उसके बाद भी करने के बाद मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सारे गांवों को पक्की सड़कों पर जोड़ने का सिलसिला प्रारंभ किया, चाहे बहुत समाज पार्टी की सरकार इससे पहले 5 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव आपके पक्की सड़कों से कभी जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? सर्वे ठीक ठाक है कि नहीं? सीमाएं हो गई है क्योंकि ज्यादातर काम विकास का तो राज्य सरकारों के माध्यम से होता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को हमारी सरकार ने कैसे मजबूत किया है इसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। भाइयों, 28 वर्षों के बाद चाहे भारत का अर्थशास्त्री हो या दुनिया का अर्थशास्त्री, इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है वह भारत की है। सारी दुनिया का अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करते हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जहां देश हमारी सरकार सर्व मुख्यमंत्री कम कर रहे हैं, मैंने पहले साल में 4% करो, दूसरे साल में 3% करो, तीसरे साल में 2% करो, चौथे साल में 1% करो और पांचवें साल में पतले एक अध्याय 0% कर दो। यह काम यह मैंने कराया, यानी 0% ज्ञान का पद में पतले देने का हमला कर रहे हैं। बेटियों की शिक्षा ग्रेजुएशन तक, लड़कों की शिक्षा इंटरमीडिएट तक फ्री, यह भी करने का हम लोगों ने फैसला किया है। ऐसे कई बातें हैं, नोटबंदी का जहां तक सवाल है, बहने वाले ये लोग विरोध करते हैं नोटबंदी के फैसले का, काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था इस ग्रुप में चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, काले धन की अर्थव्यवस्था बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? इस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आतंकवादी नक्सलवादी उग्रवादियों की कमर टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए? अभी ये किया इसका विरोध करना। और एक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लाइन में खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए, एक ही पर पैसा निकाल रहे हैं 4,000 रुपया निकाल रहे हैं और उसी के कुछ दिनों के बाद जन्मदिन मना रहे हैं विदेश से। ये हाल है धर्मवादियों, आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं ये इतना बड़ा फैसला है, इतना बड़ा फैसला है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाएंगे, इतना ताकतवर बनाएंगे, जब हम 10-15 वर्षों के अंदर भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा, ये कैसी ताकत भारत को मिलेगा? यहां तक कि राजनीति में भी ईमानदारी, राजनीतिक सुधार लाने के लिए पोलिटिकल रिफॉर्म जिसे कहते हैं,